देखो, कल एडी करंट के बारे में बात की थी। एडी करंट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली जब किसी कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ होने के कारण वहां पर इंड्यूस करंट आएगा। दिस करंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ एडी, इनको एडी करंट कहते हैं हम। ठीक है, टिपिकली इसका डिसएडवांटेज है कि ये हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए, ये अवॉइड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सो कल जैसे डायग्राम देखी थी, एक्सक्यूज मी, इस प्रकार को इसको कंटिन्यूअस ना रखते हुए ब्रेक करते हैं। यह दूसरा पार्ट हम करेंगे, यहाँ पर हम लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। लैमिनेटेड कोर मतलब क्या? तो जस्ट सिमिलर टू अवर क्या कहें, ये पर्क या डेरी, पर्क जैसे जो चॉकलेट होते हैं, एक लेयर मटेरियल की मतलब कंडक्टिंग मटेरियल की, दूसरी लेयर इंसुलेटिंग मटेरियल की। ठीक है, अगेन कंडक्टिंग मटेरियल फॉलोड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। सो होगा क्या, करंट को इस प्रकार से कंटिन्यूअस पाथ नहीं मिलने वाला है। एंड इफ कंटिन्यूअस पाथ इज नॉट देयर, करंट जो जनरेट होने वाले हैं एडी करंट, ये कम रहेंगे और फिर ये हीटिंग इफेक्ट कम रहेगा। सो ये हीटिंग इफेक्ट एडी करंट के कारण, एंड उसको मैनेज करने के लिए हम जहां पर भी है इस प्रकार के कोअर्स रहेंगे वहां पर ये अरेंजमेंट यूज करते हैं। दूसरा एडवांटेज है फिर एडी करंट का, टिपिकली जो जैसे मेट्रो रेल है, सो ऐसे ट्रेन में ब्रेकिंग के लिए आप इस प्रकार से एडी करंट्स का प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। इंडक्शन फर्नेस में ये यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में आप इसे यूज कर सकते हो, एंड हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स जो होते हैं वहां पर भी हम एडी करंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन दूसरे एडवांटेजेस है एडी करंट के। नाउ टॉक अबाउट इंडक्टेंस। सो देखो क्या कहते हैं हम, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय अनादर कॉइल इन इट्स विसिनिटी और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड इन सेम कॉइल। ठीक है, क्या कहा, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय अनादर कॉइल इन इट्स विसिनिटी। एखादे कॉइल के, अगर मेरे पास कोई कॉइल है,
इस कॉइल के विसिनिटी में ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। हाँ देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। किस प्रकार से इंड्यूस कर सकते हो? तो हम कहेंगे फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाय अनादर कॉइल इन इट्स विसिनिटी। इसके आजू बाजू में कोई वो एक और कॉइल लेकर आए और उसमें फ्लक्स चेंज हुआ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमने और एक कॉइल रख दिया, तो देखो ये करंट कैरिंग कॉइल रहेगा तो ऑब्वियसली इसके साथ एसोसिएटेड करंट चेंज होने से इसको मैं नाम देता हूं ए और इसको नाम दिया बी। ठीक है, सो ए का करंट चेंज हुआ तो ए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सोलेनोइड, आपको पता है सोलेनोइड रहेगा तो वो फ्लक्स भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कितनी प्रोड्यूस करता है सोलेनोइड? म्यू नॉट एन आई फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा बी डॉट ए। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। सो अब देखो जब कभी भी ये आई चेंज हुआ तो बी की वैल्यू चेंज होगी, बी की वैल्यू चेंज होगी तो फाई चेंज होगा। सो ए का करंट चेंज हुआ तो ये ए के कारण जो फ्लक्स तैयार हुआ है अब इट इज लिंक विद बी, ये बी के साथ भी एसोसिएटेड है तो बी का भी फ्लक्स चेंज होगा। और इस प्रकार से बी में भी फ्लक्स चेंज होने के कारण करंट इंड्यूस्ड होगा। क्या सही है? इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहते हैं इसे? पड़ोसी ने घर को कलर दे दिया तो ऑब्वियसली अपनी इच्छा होने लगती है कि अरे अपना घर भी अच्छा दिखे, हम भी घर को कलर दे दे। क्या सही है? क्या ठीक है? सो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। दूसरा क्या होगा? अब दूसरा सिर्फ अकेला कॉइल है। देखो मैं यहां पर दूसरी डायग्राम निकालता हूं। सिर्फ अकेला कॉइल है और इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो यहां पर करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड रहेगी म्यू नॉट एन आई और फ्लक्स रहेगा बी डॉट ए। अब देखो जब कभी भी आई चेंज होगा तो बी चेंज होगा, बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। अब ये फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक रहेगा
फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपको पता है, राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रहेगी सर? ये ऐसे रहने वाली है यहाँ की लाइन, सही है ना? सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एसोसिएटेड विद दिस कॉइल करंट चेंज होने से चेंज होने वाली है। सो ऑब्वियसली इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और लेंज लॉ ने हमें डायरेक्शन बताई है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण रहने वाला इंड्यूस करंट इस प्रकार से फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा कि ये फ्लक्स चेंज को अपोज करने वाला है। इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, खुद में ही चेंज होने के कारण करंट इंड्यूस्ड होना। ये पड़ोसी में चेंज होने के कारण, उसके आजू बाजू में विसिनिटी में किसी कॉइल को रखने के कारण जो चेंज हो रहा है उसके कारण इस बी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। यहां पर खुद का ही करंट चेंज होने के कारण इसमें खुद में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। क्या सही है? क्या आई क्या बात ध्यान में? अरे हाय अना, यस सर। पक्का? यस सर। ओके, सो ये होता है खुद दूसरे के कारण हुआ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, खुद के कारण हुआ तो इसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देखो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। सो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस वन वाला पार्ट, ये है सेल्फ इंडक्टेंस टू वाला पार्ट। ठीक है, चलो। जाए आगे। अब हमें एक चीज तो ध्यान में आया, दिस फ्लक्स इज रिलेटेड टू, देखो म्यू नॉट चेंज नहीं होने वाला है, एन चेंज नहीं होने वाला है, इसका एरिया चेंज नहीं होने वाला है। दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। सो अब हम यहां पर लिखेंगे इफ then flux is proportional to current and rate of change of flux is proportional to di by dt। कहां से आया ये? तो देखो phi b इक्वल टू b डॉट a विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इन टू a। ज्योमेट्री अगर चेंज नहीं होती है तो a और n चेंज नहीं होगा, म्यू नॉट चेंज नहीं होगा, तो देयरफॉर phi b इज प्रोपोर्शनल टू i, d phi b by dt इज प्रोपोर्शनल टू di by dt। क्या सही है? If there are n number of turns,
देन n5e is proportional टू i. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट लिख रहा हूं. द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस. क्या कहेंगे उसको? इंडक्टेंस. एंड इट डिपेंड्स ऑन ओनली geometric properties of material and intrinsic property of material. ठीक है, इंडक्टेंस जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, उसका नाम है इंडक्टेंस. और वो डिपेंड करता है मटेरियल के ज्योमेट्री पर. इसको हम डिराइव करने वाले हैं, सो चिंता मत करो. ठीक है, आया क्या ध्यान में? सो अभी पहले बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस. उसके पहले एक चीज नोट करनी चाहिए. इंडक्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड has dimensions of flux divided by current. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है इंडक्टेंस, फ्लक्स अपॉन करंट रहेगा, और साथ ही साथ इसका ऐसा यूनिट रहेगा हेनरी. ठीक है, इसका ऐसा यूनिट रहेगा हेनरी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल मतलब आजू बाजू के कॉइल में, विसिनिटी में रहने वाले कॉइल में अगर कोई चेंज आता है तो कितना फर्क पड़ेगा या कितना इंड्यूस्ड होगा. ठीक है, देखो हमारे पास अरेंजमेंट है इस प्रकार से. एक बड़ा कॉइल है,
ये बड़ा कॉइल है और अब अंदर कोई एक दूसरा कॉइल रहेगा। ठीक है, एक कॉइल की इसका बीच का एक एक्सिस निकाल लेते हैं हम। दो रेडाएं हमारे पास आ गई, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, और दोनों की लेंथ लगभग हम कंसीडर करेंगे एल। लेंथ L, छोटी रेडियस R1, लार्जर रेडियस R2, ठीक है। अंदर वाले के टर्न्स रहेंगे N1, बाहर वाले के टर्न्स है N2, ठीक है। अंदर वाले का नाम है S1, सोलेनोइड 1, बाहर वाला रहेगा S2। अब देखो टर्मिनोलॉजी बड़ी आसान है, N1 एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स, R1 एंड R2 रेडाय ऑफ कॉइल्स, एंड क्या बचा है अभी, N1 N2 R1 R2 दोनों भी आ गया, ठीक है। So, अब देखो आप क्या कह रहे हैं, whenever current I2 flows through second coil, ये second coil है, यहां से जब I2 flow होगा, actually इसको जरा dark निकालना चाहिए, तो देखो जब कभी भी सेकंड कॉइल के थ्रू I2 करंट फ्लो होगा, व्हेनेवर करंट I2 फ्लोस थ्रू S2 सेकंड कॉइल, इट प्रोड्यूसेस flux through coil 1, क्या ये इसके साथ सभी agree है क्या, 2 में जब current flow होगा, so 2 magnetic field produce करेगा, direction रहेगी according to right hand thumb rule, ठीक है। अब ये flux magnetic field आ गई तो magnetic flux आ जाएगा B dot A, अब ये flux solenoid के अंदर रहेगा तो सोलेनोइड के अंदर हमने S1 को रखा है, सो दिस कंप्लीट फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद S1, सो इसके कारण ये 2 ने प्रोड्यूस किया हुआ फ्लक्स इस 1 के साथ एसोसिएटेड रहेगा, उसको हम देते हैं
फाई वन और एन वन वन के टर्न है एन वन. सो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन विल बी फाई वन. अगर एक कॉइल के साथ एसोसिएटेड है तो टोटल फ्लक्स रहेगा एन वन फाई वन. ये फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है? करंट आई टू. इसके पहले हमने ये लिखा है एन फाइव बी इज प्रोपोर्शनल टू आई. देखो वही लिखा एन फाइव बी. अब फाइव बी के जगह सिर्फ मैं फाइव वन लिख रहा हूं इज एसोसिएटेड विद करंट आई टू. दो में करंट फ्लो होने के कारण वन के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स. यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी के जगह पर हम लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल टू. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल वन एसोसिएटेड विथ कॉइल टू. क्या सही है? सो वन के साथ टोटल फ्लक्स जो लिंक रहेगा वो इस म्यूचुअल इंडक्टेंस और आई टू पर डिपेंड रहेगा. अब देखो अब हम क्या कहते हैं. देखो ये दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है. जो कोई भी फ्लक्स रहेगा वो इस वन के टू के अंदर वाले पार्ट में रहेगा. सो टू जितना कितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से वन के साथ कितना एसोसिएटेड रहेगा तो ये डिपेंड करेगा वन के एरिया पर. फ्लक्स मतलब कुछ लाइन ये यहां से भी जाने वाली है. उल्टे डायरेक्शन में होगा ना. राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रहेगी. सोलेनोइड के अंदर ये यूनिफॉर्म रहता है मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहां पर पैरेलल रहेगी. सो इसमें से देखो जितना ये वन का एरिया है उतना ही फ्लक्स वन के साथ एसोसिएटेड रहेगा, बाकी का तो बाहर रहेगा. ठीक है. सो इसलिए अब हम कहेंगे ये एन वन फाइव वन कितना रहेगा. इन वन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. सो इफ छोटा एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो उसकी लेंथ आ जाएगी एल वन. फ्लक्स होता है बी डॉट ए. एरिया रहेगा इसका पाई इंटू आर वन का स्क्वेयर. और बी कितनी रहेगी? बी रहेगी म्यू नॉट. अब एन किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है? टू के कारण. तो यहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स टू के लेने पड़ेंगे. एन टू इंटू वहां से फ्लो होने वाला करंट आई टू. सो ये वैल्यू आ जाएगी पूरी म्यू नॉट एन वन इंटू एन टू पाई आर वन का स्क्वेयर इंटू आई टू. क्या सही है क्या? ठीक है. हाँ सर बिल्कुल सही है. बट ये एन वन फाइव वन इज इक्वल टू एम वन टू आई टू. ठीक है. अब आई टू हटा देते हैं तो क्या एम वन टू की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? सो देयर फोर एम वन टू. देखो एन वन फाइव वन की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू है? एम वन टू आई टू की. सो एम वन टू की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन वन एन टू. ओके यहां का एल खा दिया है मैंने. एल लिखना चाहिए. अब दोनों की लेंथ वन की और टू की लेंथ से मैं इसलिए सिर्फ एल लिखा है. म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन का स्क्वेयर इंटू एल. देखो थोड़ी देर के पहले हमने लिखा था
द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये अब ये इस रिलेशन में आने वाला है, इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसका एरिया, उसकी लेंथ एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी म्यू नॉट. क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सो इस प्रकार से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो. क्या आया क्या ध्यान में सर? क्या हमेशा ऐसे ही होगा क्या? बाहर के कॉइल से करंट फ्लो होगा और अंदर में कॉइल रहेगा? नॉट नेसेसरी, उल्टा भी हो सकता है. जब उल्टा होगा तब क्या होगा? इस प्रकार से बाहर का कॉइल रहेगा और ये हमारे अंदर वाले कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होगा. ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो सकता है. अब अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा I1, ये वन वाला है, ये टू वाला है, ध्यान में रखो. सो नाउ अब करंट फ्लो हो रहा है I1. सो टू के साथ जो फ्लक्स लिंक रहेगा N2 phi 2 will be equal to mutual inductance of 2 with respect to 1 and Q हो रहा है, this is because of current in 1. इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं. देखो कितनी आ जाएगी N2, so this is N2 into L phi 2 B डॉट A. ठीक है, B की वैल्यू क्या रहेगी? म्यू नॉट N1 इंटू I1 एरिया. अब देखो ये जो सोलेनाइड है, हमने सोलेनाइड का जब डेरिवेशन किया था तब हमें पता है मेनली जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो इसके इनसाइड ही रहेगी. बाहर वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम रहेगी, वहां का फ्लक्स भी कम रहेगा. सो इसलिए हमें एरिया कंसीडर करना पड़ेगा अंदर वाला ही. सो यह आ जाएगा पाई आर वन का स्क्वायर. सो ये देखो म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन का स्क्वायर इंटू एल इंटू आई वन. देखो तो इस वैल्यू को जरा mu not n1 into pi r1 square l, mu not n1 into pi r1 square into l. So actually therefore m12 is equal to m21. ठीक है, so many a times it is easier to calculate flux link with inner coil compared to flux link with outer coil. But as mutual inductance for them is same, we can consider
म्यूचुअल या वी कैन कैलकुलेट एंड यूज दैट वैल्यू. आया क्या ध्यान में? ऐसा क्यों? तो यहां पर तो ठीक है, पर कुछ कुछ केसेस में क्या होगा, इसकी लेंथ अगर कम ज्यादा होगी ना, तो वहां पर दैट फ्रिंजिंग का इफेक्ट आता है. फ्रिंज मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कॉर्नर पर इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व होती है ना. सो ऐसे केस में ये फ्लक्स लिंकेज निकालना जरा मुश्किल होता है, ऐसे केस में हम इसे डायरेक्टली यूज करेंगे. क्या सही है? अब देखो ये सब क्यों करना, ये इसके आगे है. एज इन 151 इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू या टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, सब सेम है. तो यहां पर लिखेंगे करंट इन टू. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या देता है आपको? एन वन कॉन्स्टेंट है, एन वन बाहर आ गया, डी फाइव वन अपॉन डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ एम आई टू. बट इसको नीचे वाले पार्ट में मैं लिखता हूं. बट इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड. क्या सही है? देयरफोर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन विल बी माइनस ऑफ एम बाहर आ गया डी आई टू अपॉन डी टी. क्या सही है? क्या? सो दूसरे में करंट चेंज होने के कारण आपके पहले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है. ठीक है, आपके पहले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा.